नमस्ते मेरे प्रिय मित्र, आप कैसे हैं? आशा है कि आप ठीक होंगे। आज हमारा जो एक विशेष विषय है वो है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए। बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में, लेकिन जब हम ये डिवोशन ख़त्म करेंगे तो शायद आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है। और इसलिए बाइबल में कई जगह पर एक दूसरे के संबंध में और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है, और उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने आज का डिवोशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहली बात हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है गलतियों उसका 5:13। गलतियों उसका 5:13 मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। गलतियों 5:13, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ये मेरा पॉइंट है, बाइबल में लिखा जो है, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। दास बनने का मतलब है एक दूसरे की सेवा करो, दूसरे के अधीन रहो। यूजली हमारे जो स्वाभाविक जो स्वभाव है, नेचर है, उसमें क्या है, मैं बड़ा हूँ, मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, मेरे नीचे सबको काम करना है, मतलब एक ऐसा घमंड सा कहीं छुपा रहता है। लेकिन बाइबल बिल्कुल इसके विपरीत कहती है कि हमें एक दूसरे की सेवा करना है, एक दूसरे के दास बनना है। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए दास बना ना। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए दास बना। कैसे दास बना? पहले तो उसने अपने आप को, अपने परमेश्वर होने के नाते भी उसने अपने आप को शून्य कर दिया, फिलिपियों में लिखा हुआ है, और शून्य बन करके हमारे लिए दास बना। और उसने दूसरों की सेवा की, लोगों को चंगा किया, लोगों के पैर धोए, और उसने कई बातें ऐसी कही कि तुम एक दूसरे की सेवा करो जैसे मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, और फिर उसने अपने आप को हमारे लिए जान दे दिया। ये एक दास ही कर सकता है। तो इसलिए हम एक दूसरे के क्या बने? दास बने, एक दूसरे के सेवक बने, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की सेवा करें। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 5:4:32 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इफिसियों 4:32 क्या लिखा है? 32 में इस प्रकार से लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे भी तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जी हाँ, दूसरी बात हम देखते हैं एक दूसरे के संबंध में कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, हमारी गलतियों को ओवरलुक किया, उसी प्रकार से हमें भी एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते, एक दूसरे के पापों को क्षमा करें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरे की गलतियों को बार बार उसके सामने न बोलें। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ है कि एक दूसरे की अपराधों को हम क्षमा करें, यही तो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है, और वो ये क्षमा करने की आत्मा। कभी कभी क्या होता, अरे भाई साहब आपको नहीं पता उसने क्या मेरे साथ किया, मैं तो उसका बदला लेके रहूँगा और मैं देख लूँगा या देख लूँगी या जो भी है। ये परमेश्वर की आत्मा की बात नहीं है, ये बुरी आत्मा है। और अगर आप विश्वासी हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में रहता है, और वो पवित्र आत्मा बताता है आपको कि नहीं, आपको क्षमा करना है। हाँ, मन में कड़वाहट आ जाती है, थोड़ा सा कभी कभी विरोधाभास भावना जागृत हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम एक दूसरे के पापों को क्षमा कर सकते हैं।
तो पहली बात हमने देखा कि हमें एक दूसरे की सेवा करना है, दूसरी बात हम देख रहे हैं कि हमें एक दूसरे के पापों को क्षमा करना है, और ये क्षमा करने की जो प्रवृत्ति है हमें प्रभु यीशु मसीह से मिली। आप समझिए, अगर यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा नहीं करता तो आपको पता है हम लोग नरक में होते, नरक में जलते रहते। लिखा हुआ है कि नरक ऐसी जगह है जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं और जहाँ की आग कभी बुझती नहीं। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर ने हम पर ऐसी दया की कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अपराधों को ढांप दिया। जैसे पूर्व से पश्चिम जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को उतनी दूर कर दिया। तो क्या जब कोई हमारे विरुद्ध पाप क्षमा कर पाप करता है तो क्या हमें उनको क्षमा नहीं करना चाहिए? आप ही सोचिए। जी हाँ हमें करना चाहिए। बाइबल में एक जगह पे लिखा है, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन लिखा हुआ है अगर तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे और दूसरों की जो कमजोरी को ओवरलुक नहीं करोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करना चाहिए? हाँ ये प्रश्न है। तो प्रियो, हमें चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आत्मा में हो करके उसके अनुग्रह में हम क्षमा कर सकते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, और वो है 4:25, इफिसियों 4:25। मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना मांगता हूँ। इस कारण इफिसियों 4:25, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। एक और बात हमें ध्यान में लाना है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि हम झूठ बोलना छोड़ दें एक दूसरे के साथ, सत्य बोलें, सच बात बोलें। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बोलते ना काला झूठ, सफ़ेद झूठ, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, इस प्रकार की बातें हम कभी कभी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो दूसरे को बहुत हर्ट करती है, और झूठी बात भी हो सकती है वो। नहीं मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के समान एक दूसरे के साथ सत्य बोलना। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जब यीशु मसीह जो सत्य है तो क्या हमें भी एक उसका उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण नहीं लेना चाहिए कि हमें भी एक दूसरे के साथ सच बोलना चाहिए? तो हमें एक दूसरे के साथ जब भी कोई, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, बड़े प्यार से बोलें। लिखा हुआ बाइबल में I speak the truth in love। हो सकता है कि आप सच बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज़ शायद थोड़ा डांटने की हो या थोड़ा सा ऐसे बताने की हो कि देख मैं कितना पवित्र हूँ, तूने ऐसा किया। सत्य तो बोल रहे होंगे आप, लेकिन जो हमारी भाषा है, भाषा की जो शैली है, भाषा की जो भावना है वो प्रेम वाली हो। इसीलिए लिखा हुआ है कि हम सत्य तो बोलें लेकिन प्रेम के साथ बोलें ताकि दूसरे को चोट ना पहुंचे जितना हो सके। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इफिसियों उसका 5:21 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों उसका 5:21 में लिखा हुआ है कि एक मसीह होने के नाते हम अकेले नहीं रहते हैं इस दुनिया में, और भी दूसरे मसीही विश्वासी भाई बहन हैं, उनके साथ हमारा संबंध रहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों 5:21 में, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। देखिए फिर वही बात आ गई, एक दूसरे के अधीन, एक दूसरा। हमारा आज का जो डिवोशन है वो एक दूसरे जो फ्रेज है उस पर आधारित है, और बाइबल इसके बारे में क्या क्या बातें करती हैं। तो हमें मसीह के भय में, मसीह को प्रभु जानते हुए, मसीह को परमेश्वर जानते हुए, उसके पवित्र भय में रह करके एक मसीह दूसरे मसीह के क्या हो, अधीन हो।
अब आधीन का मतलब, अब वही पहला जो मेरा पॉइंट था अगर आपको याद होगा, दास, उसी से संबंधित है ये। हमें आधीन रहना सीखना है। हमारे जो पूर्व जो एल्डर्स हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, या जो हमारे ऊपर हैं, हमें उनके आधीन इसलिए नहीं होना है कि वो हमारे सबसे बड़े हैं, लेकिन इसलिए भी होना है कि परमेश्वर का वचन कहता है न सिर्फ उनके आधीन, लेकिन हम अपने भाई बहन के आधीन भी रहें, अपने छोटे भाई बहन के आधीन भी रहें, उनको समझाएं। आधीनता एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें घमंड को चकनाचूर कर देता है, और घमंड तो परमेश्वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। सो उनकी बातों को सुने, हो सकता है कि उनकी बातें आपके दृष्टिकोण से सही ना हो, लेकिन कम से कम सुने तो, हो सकता है शायद उसमें कहीं छोटा सा कुछ सत्य भी छुपा हुआ हो। तो ये आधीन हो करके एक दूसरे की सुने, एक दूसरे की हम सह लें। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में एक दूसरे के प्रति। पहला थिसलोनियो 5:11, पहला थिसलोनियो 5 उसके 11वें पद में हम देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 थिसलोनियो 5:11, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। जी हाँ, हमें एक दूसरे को क्या करना है, उत्साहित करना है, निरुत्साहित नहीं करना है, उत्साहित करना है। एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो, ठोकर का कारण ना बनो। हम बड़े आसानी से ठोकर का कारण बन सकते हैं, हो सकता है अपने कड़वाहट में, अपने घमंड में, मैं देख लूँगा, एक ऐसी भावना आजकल हमारे उसमें हमारे जीवन में आ जाती है। मैं विश्वासियों की बात कह रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कैसे उन्नति का कारण बन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप में गिरा हुआ है, या वो बेचारा, वो उसके साथ समस्या हो रही, तो हम वहाँ जा करके उसको और डिस्करेज ना करें, हाँ अच्छा हुआ तेरे को तो ऐसा मिलना ही चाहिए था, और ऐसी ऐसी बातें करके हम उसको और नीचे गिराते। आदमी तो वैसे ही नीचे गिरा हुआ है, उसको और नीचे गिराते। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने के पास एक स्त्री को लाया गया जो व्यभिचार में पकड़ी गई, और पूरी भीड़ चारों तरफ से, हाँ मारो इसको, मारो, ये व्यभिचारी नहीं है, और ये है वो है। यीशु मसीह ने बोला, जो कोई निष्पाप है उसको पहले वो पत्थर मारे। धीरे धीरे सब चुपके चुपके निकल गए, क्योंकि सबको पता था यार पाप तो हमने भी किया है, और हो सकता है इसी स्त्री के साथ किया हो। निकल गए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ। इस प्रकार से उसको इनकरेज किया, उसको ज़मीन से उठाया, जा फिर से पाप न कर। हमें इनकरेज करना है, उन्नति का कारण बनना है, हमें दूसरों के लिए एक आदर्श का कारण बनना है। जब लोग हमारे बातचीत, हमारे व्यवहार को देखते हैं तो बड़े उत्साहित होते हैं, अरे यार वो देखो वैसा है, वो बड़ी अच्छी बात है, हाँ देखो कितने प्यार से बात कर रहा है, देखिए वो उसका दुश्मन है लेकिन फिर भी ये मसीह व्यक्ति उसकी कैसी सहायता कर रहा, मैं भी ऐसी करूँगी। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे के लिए उत्साह का कारण बन सकते हैं। फिर एक और बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, याकूब की पत्री उसका 5:16, याकूब की पत्री उसका 5:16, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कितनी सुंदर बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। यही बात आ गई है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए।
प्रियो, हम बिल्कुल पवित्र नहीं, हम कह नहीं सकते कि मैं 100% पवित्र हूँ। पाप में गिर जाते हैं, विचारों में डूब जाते हैं, व्यवहारों में, गलत व्यवहारों में हम फंस जाते हैं। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम अपने भाई बहनों के सामने अपने पापों को मान ले, यार मैंने किया था, सिर्फ तुम ही नहीं मैंने भी पाप किया। कई बार मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जब इंटरनेट खोलते हैं तो एकदम से कुछ नंगे नंगे चित्र आ जाते हैं, बिना उस इंटरनेट को उधर उस वेबसाइट जाने, बिना उसके जाने के आ जाते हैं, और दिल में एक ऐसी इच्छा पैदा होती, अरे और देख लो आँखों की अभिलाषा, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है और फिर हमें एक दूसरे के सामने, अरे मैंने मालूम किया, मैंने गलती किया, मैंने पाप किया, यार तू मेरे लिए प्रार्थना कर, ये बहुत बड़ा पाप है। इससे हम एक दूसरे को बनाते हैं, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनते हैं। एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और प्रार्थना भी करो। आप दूसरों से बोल सकते हैं कि दीदी भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मालूम मैं पाप में गिरा था। परमेश्वर ईमानदारी को जांचता है, इंटीग्रिटी को, सच्चाई को देखता है। जो अपने पाप को छुपाएगा वो आशीषित नहीं होगा, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमें एक दूसरे के जो पाप हैं उनको उसके लिए प्रार्थना करना है और अपने पापों को मान लेना, जिससे क्या लिखा हुआ है, जिससे चंगे हो जाओ। देखिए, आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, अपने पापों को मान लें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। देखिए, अगर कई बार लोग बोलते हैं, यार मैं प्रार्थना कर रही हूँ अभी तक मुझे चंगाई नहीं मिली। अरे साहब ये बताइए, आपके जीवन में कोई पाप तो नहीं है? प्रार्थना ज़रूर कर रहे होंगे, फास्टिंग ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन वो पाप को लेके बैठे हुए हैं, चाहे वो पाप मन में हो, विचार में हो, या आपके शारीरिक रूप से हो, उसको छुपाइए नहीं। लिखा हुआ है कि जब हम एक दूसरे के सामने पापों को मान लेंगे तब हम चंगे भी हो जाएंगे, और एक दूसरे के लिए जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और इस ये बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो है गलतियों 6:2। गलतियों उसका 6:2। मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। लिखा हुआ है कि एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार की व्यवस्था को पूरी करो। कहने का मतलब है कि एक दूसरे की सह लो। गलतियों 6:2 में लिखा हुआ है, इफिसियों 4:2 भी मैं पढ़ता हूँ आपके लिए इसी से संबंधित। इफिसियों 4:2 में भी यही बात लिखी हुई है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अरे साहब, ये तो मुझे थोड़ा सा और धीरे पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इसको पूरी, इसकी जो मीनिंग है उसको समझ सके। अर्थात इफिसियों उसका 4:2 2:2, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अरे साहब, सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है साहब। हाँ, मेरे जीवन में बहुत बार मुझे सहने का मौका मिला, कभी तो मैं बहुत कुड़कुड़ाया, व्यक्ति पर कुड़कुड़ाया, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाया, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? लेकिन परमेश्वर का आत्मा फिर बोलता है, भाई देखो, ये सहना है। मैंने शायद एक डिवोशन में एक उदाहरण दिया था कि स्टील जो बनता है वो ऐसे नहीं बनता है। हम स्टील को जा करके ज़मीन में गाड़ते नहीं हैं और बोलते नहीं हैं जैसे कि अगर एक आम को गाड़ दिया तो ढेर सारे आम आएंगे। नहीं, स्टील ऐसे नहीं बनता है। स्टील जो लोहा है उसको कच्चे लोहे से बनता है जो खान में होता है, भिलाई इस्पात कारखाने में। वहाँ पर भिलाई में ढेर सारे ऐसे खान हैं, वहाँ से उस खान में से उस कच्चे लोहे को आग में तराशते हैं, आग की भट्टी में डालते हैं, पिघलाते हैं, केमिकल डालते हैं, कई हज़ार डिग्री सेल्सियस वो जाता है उस आग में, तब वो पिघल करके उसके कई प्रोसेसेस होते, तब जा करके वो स्टील बनता है। ऐसे नहीं बन जाता। तो हमें सहना है सारी दीनता के साथ,
नम्रता के साथ, जो कि बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इतना आसान है, मुश्किल काम है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें इसमें सहायता करता है। और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। अरे साहब, और लिखा हुआ है, और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बहुत ही सुंदर, बहुत उम्दा परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। और भी जगह इसके बारे में लिखा है, कुलूसियों उसका 3:13 में भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति हम किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करें, मसीह जीवन निर्वाह करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों में ध्यान दें। एक और पद मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13:34, यूहन्ना उसका क्या पद है यहाँ पर, ओ 13:13 और उसका 34 देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। देखा, हाँ, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए दी गई है। मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ता हूँ, यूहन्ना 13:34, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अरे साहब, ये देखिए प्रभु यीशु मसीह ये बात आपको और मुझको बता रहे हैं प्रेम के बारे में। वो पवित्र प्रेम, इसको हम बोलते हैं अगापे प्रेम, अगापे लव, परमेश्वर के वचन में एक दूसरे के प्रति। और प्रेम की एक बहुत अच्छी चैप्टर है, कभी अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िए। मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ, 1 कुरिन्थियों उसका 13 जो बहुत अच्छा है, 1 से पूरा 13। 1 कुरिन्थियों 13:1 शुरू करेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता वरन सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हम दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थाई हैं,
पर इन में सबसे बड़ा प्रेम है। ये मैंने आपके सामने पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पढ़ा। आशा है कि परमेश्वर आपके इस छोटे से डिवोशन के साथ डिवोशन में आशीष दिया होगा, और मैं इसी प्रेम के साथ कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, चाहे वो मसीह भाई बहन हो या नॉन दूसरे बाहर के लोग हों, हमें सबसे एक प्रभु यीशु मसीह के समान प्रेम रखना है। और ये बात हमें बार बार परमेश्वर के वचन में दी जाती है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।